आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ब्लेड मारकर दोपहिया लूटने वाले आरोपी अनेक अपराधों में है लिप्त। पूछताछ में आरोपी से हुआ कई घटनाओं का खुलासा। सम्मान स्वरूप ग्रामीणों ने पुलिस को दी 11,000 की राशि। सनावत नगर के पास बने ग्राम टोकसर के दो युवकों को ब्लेड मारकर उनसे दोपहिया वाहन छीन कर फरार होने के मामले में पकड़ाए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में कई बातों का खुलासा हुआ। इसमें एक आरोपी अनेक जिलों में विभिन्न अपराधों से जुड़ा होकर फरार था। वहीं पुलिस मामले में उसके और पूछताछ करने के लिए उसकी पुलिस रिमांड न्यायालय से मांगेगी। TIMR रोमड़े ने बताया कि पिछले दिनों दो युवक टोकसर से सनावत किराना का सामान लेने जा रहे थे। इस दौरान चार अपराधियों ने ब्लेड मारकर दोनों युवकों को घायल कर दोपहिया छीन कर फरार हुए। अपराधियों को पुलिस ने दो दिन पूर्व पकड़ा था। वहीं पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराधियों की जानकारी एकत्रित की गई, जिसके बारे में मालूम हुआ कि गिरफ्तार आरोपी महेश वैष्णव निवासी जिला धार ने खरगोन में नकली नोट के प्रकरण में STF इंदौर उज्जैन में प्रकरण में लिप्त होकर स्थायी वारंटी है। पूर्व में संजय द्वारा कई जिलों के थाना क्षेत्रों में अलग अलग घटना और अमानत में खयानत नकली नोट सहित कई प्रकरण दर्ज हैं, जो इस समय फरार चल रहा था। वहीं अलग अलग थानों की पुलिस आकर घटनाक्रम के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी संजय का रिमांड लेकर उसे अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ करने का प्रयास सनावत पुलिस द्वारा किया जाएगा। पुलिस टीम को किया पुरस्कृत। टोकसर के ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा घटना के तीन दिन में अपराधियों की धरपकड़ कर गांव के एक युवक और अन्य युवकों को हिरासत में लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर खुश होकर 11,000 का नगद पुरस्कार दिया। सरपंच धनगीर गोस्वामी ने बताया, पुलिस टीम द्वारा की गई कार्रवाई और ग्राम के युवकों के साथ हुई घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। 11,000 की राशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दी जा चुकी है, जिससे इस कार्य में लगे पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़े। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। 24/5/22 को टोकसर मार्ग पर एक मोटरसाइकिल लूट की वारदात को अंजाम दिया था बदमाशों ने। उसमें से तीन आरोपी जो हमने गिरफ्तार किए थे, एक संजय वैष्णव, सुजल और कान्हा। इसमें जो संजय उर्फ बंटी उर्फ जय उर्फ बाबा आदित्य के नाम से जो आरोपी है, ये जब हमने इनको हमारे लूट के प्रकरण में अरेस्ट किया और पुलिस रिमांड पर कल लेने के बाद अन्य और घटनाओं के बारे में बारीकी से पूछताछ की, तो इसमें संजय वैष्णव के द्वारा काफ़ी वारदातें करना बताया, जिसमें ये कई मामलों में फरार भी है। जैसे खरगोन कोतवाली के एक नकली करेंसी के मामले में ये वांटेड है। इसी तरह से इंदौर STF के नकली करेंसी मामले में वांटेड है, फरार चल रहा है। धार में एक प्रकरण में ये स्थायी वारंट इसका जारी हुआ है। होशंगाबाद के एक बाबई थाने में इसका अमानत में खयानत का एक प्रकरण है, जिसमें फरार चल रहा है। उज्जैन में भी इसके खिलाफ अपराध है, वहाँ भी इसके जानकारी ली जा रही है कि ये कोई वारंट या और अन्य थानों में है। इसी तरह से इसकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा सक्रिय और आपराधिक प्रवृत्ति का बदमाश है। इसके अन्य जिलों में भी हमने कंट्रोल रूम के माध्यम से मैसेज दिया है, उसकी पूरी डिटेल जानकारी देते हुए कंट्रोल रूम खरगोन के माध्यम से, अन्य जिलों में भी कंट्रोल के माध्यम से थानों को सूचित किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे जिले के थानों को भी सूचित किया है। इसमें अन्य जो घटनाएं हुई है लूट की, अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है, जिसमें सभी थाना प्रभारी जिनके यहाँ लूट जैसी वारदातें हुई थी उसमें टीमें आकर पूछताछ की जा रही है। STF की टीम भी इंदौर से आकर पूछताछ कर रही है। ये सभी जिलों को जो हमने मैसेज दिया है, जो जिसमें वांटेड है, सबको मैसेज कर दिया है, और यदि आगे अन्य जिलों से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उनको भी हम ये जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अभी हमने इनको 31 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया है। घटना में प्रयुक्त सामग्री और जो कपड़े, मोबाइल, अन्य चीज़ें जो शेष रही गई थी उसकी बरामदगी के लिए आज पुलिस टीम उसको उसके किराए के मकान में तलाशी के लिए लेके गई है, और इसके अन्य जो 14 आरोपी जो फरार है उसकी भी तलाश की जा रही है।